देखिए गाइस, एथलीट्स और मैं आज चला रहा हूँ इस वो मेरे को जाना है दिल्ली। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज ट्रैवल। आज दिल्ली की और रवाना हो रहा हूँ, मैं इस वो चला रहा हूँ, दैट्स वाई। और तो वैसे देखते रहिए मेरे व्लॉग्स। गाइस देखिए, बारिश हो गई है बहुत तेज ड्यू टू रेनी सीजन, फिर भी जाना पड़ रहा है। अभी मैं पहुंच चुका हूँ लगभग नमस्ते चौक से आगे, और मैं चलते ही जाना है गाइस। अभी दिल्ली बहुत दूर है। गाइस देखिए, बारिश पूरी तेज है, बारिश है, फिर भी करना पड़ रहा है ट्रैवल। बस फ़ायदा ये है कि भीगते नहीं हैं हम यहाँ पे गाड़ी में बैठे हुए। गाइस ये देखिए, धान की रोपाई होने वाली है यहाँ पे, ड्यू टू मौसम आ चुका है, फील्ड में खेत तैयार हैं। देखिए कितना मज़ेदार मौसम है आज, ठंडा ठंडा कूल कूल। ये देखिए बारिश कितनी तेज है, फुल तेज बारिश है। ये देखिए, ये मेरा शीशा ऐसा हो जाएगा, ये देखिए कुछ नहीं दिखता। ये देखिए गाइस, बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज, रेनी सीजन, बारिश बहुत तेज है, तगड़ी वाली बारिश है ये। देखिए गाइस कितना पानी भर चुका है, बहुत पानी भर चुका है। हैवी रेन हो चुकी थी आज, 2 घंटे बारिश पड़ी है, ये हालात हैं आज। क्या मेरी गाड़ी जा पाएगी यहाँ से, लेकिन ले जाना होगा मुझे, शायद से जा पाएगी। जब बाइक आ रही है तो मेरी गाड़ी भी जा पाएगी। देखिए रॉन्ग साइड चल रहे हैं, देखिए ये तैर गया, ये बकेट तैर गया गाइस। ये सारी की सारी मार्केट ना डूब चुकी है आज, पानीपत का हाल है ऐसा, बिकॉज ऑफ ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं है। ये देखिए, अगर मेरी गाड़ी तेज चलती है तो ये देखिए छींटे। सोनोली इतनी पास, ये गोरखपुर वाला सोनोली नहीं है गाइस, वो सुनौली है, ये पानीपत वाला है। देखिए गाइस कितनी ज़्यादा बरसात है, देखिए गाइस इतनी तेज बारिश है, कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, बस थोड़ा सा दिख रहा है, उसके बाद नहीं दिख रहा कुछ भी। बिल्कुल सुहावना है, बिल्कुल ज़्यादा। देखिए गाइस बहुत ही बढ़िया मौसम, ये देखिए हमारे सामने जीप जा रही है, ये भी लेंगे किसी दिन हम। तो ये देखिए बादलों का काफिला दिल्ली की ओर जाता हुआ, अब फाइनली पहुंच चुका हूँ गन्नौर। ड्राइविंग मैं नहीं कर रहा, ड्राइविंग कर रहे मिस्टर प्लाश। हमारा एफएम बिल्कुल भी नहीं चल रहा, पता नहीं क्या हो गया इसको, लैग हो गया ये। गाइस कैसी बिल्डिंग है, कैसा स्ट्रक्चर है इसका, मस्त स्ट्रक्चर। ठंडा मौसम हो चुका है बिल्कुल, विंडो खोल देते हैं थोड़ी सी। ओ वाओ, हवा पूरी तेज है, विंडो बंद कर देते हैं। अभी भी नहीं आया हमारा दिल्ली, तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं गन्नौर की साइड, तो एफएम भी नहीं चल रहा हमारा बिल्कुल भी, वैसे भी बोर हो गए हम। तो गाइस आप देख सकते हैं अब कितना ट्रैवल करना पड़ता है, कभी इंटरनेशनल, कभी नेशनल, और कभी स्टेट लेवल। आज मैं हरियाणा से दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ। देख लीजिए धूप लग चुकी है, पहले इतनी बारिश थी, यहाँ दिल्ली की तरफ धूप है,
दिल्ली 56 किलोमीटर, सोनीपत 15 किलोमीटर। ये देखिए टोल टैक्स आ गया है, कितना बढ़िया बना रखा है टोल टैक्स, हरियाली छा रखी है साइड में, ये पेड़ किस चीज़ का, ये शायद कोकोनट ट्री। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, तो हमारा टोल लगेगा आगे, ये सिर्फ बोर्ड था। ये आ गए हम फाइनल टोल पे, तो लेन 8 में या 9 में प्रवेश करते हुए हम, ये देखिए यहाँ पे लेन 12 में प्रवेश कर चुके हैं हम। देखिए फाइनली लेन पे हम, तो लेन क्लियर हुआ हमारा टोल टैक्स का, तो वेलकम फॉर सोनीपत। यहाँ पे बारिश नहीं है, फिर से गर्मी शुरू हो गई है, मानसून ठंडा था, बारिश हो रखी थी, लेकिन अब फिर से गर्मी शुरू हो चुकी है गाइस, गर्मी में करना पड़ेगा सफर। ये देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, हमारी साइड में इंडस्ट्रीज, और ये जा रही है गाड़ी, टैंक, एक्सप्रेस वे। देखिए गाइस ईस्टर्न वेरी फेरी, ये है ईस्टर्न पेरिफेरी। और यहाँ से देख सकते हैं, तो ये बीच में पुल जा रहा है इसका, कृपया अपने लेन में चलें एवं निर्धारित गति सीमा नियमों का पालन करें। तो यहाँ से एंट्री होती है कुछ दिल्ली की, सुशांत सिटी। हे गाइस फाइनली देखिए सिटी, कौन सी सिटी है दिख नहीं रही, लेकिन बहुत ही बढ़िया सिटी है ये। देखिए थोड़ा बहुत दिखा मुझे, वाओ ग्रेट। डीजल भरवाने के लिए उतर चुके हैं, यहाँ पे डीजल है, पर फाइनली फिल हो चुका है डीजल। दिल्ली का ढेर दिख चुका है, जो कि अब वेस्ट मटेरियल या कूड़ा करकट भी बोल सकते हैं आप। ये देखिएगा, ये जब दिख जाता है ना, तो दिल्ली में एंटर हो चुके हैं आप। ये देख सकते हैं पुल क्रॉस कर रहा हूँ मैं, पुल क्रॉस हो चुका है, मेट्रो का पुल दिख चुका है हमें। क्या लिख रखा है, बुरारी वजीराबाद। तो देखिए गाइस करनाल और घरौंडा में कितनी बारिश थी, और दिल्ली में बिल्कुल एक भी बूंद नहीं। गाइस मेट्रो स्टेशन बन रहा है, एक और पुल, दिल्ली में ऐसे पुल आपको जगह जगह पे मिल जाएंगे। देखिए गाइस दिलशाद गार्डन, गाजियाबाद नाथ कॉम्प्लेक्स, आई एस बी टी आश्रम, तो वो देखिए हमारा एक सिंबल दिल्ली का, एक वो पुल सिग्नेचर ब्रिज, कंस्ट्रक्शन हो रही है अभी, यहाँ आपको कंस्ट्रक्शन दिख रही है, कुछ समय बाद आपको ये बना हुआ दिखेगा गाइस। तो ये आ गया है तिब्बत वाली मार्केट, तो यहाँ से आगे तिब्बत वाली मार्केट है शुरू। ये देखिए कोरियन किचन, हांग कोरियन किचन, देखिए कोरियन किचन भी है यहाँ पे तिब्बत वाली मार्केट। पहुँच चुका हूँ मैं दिल्ली, दिल्ली आईएसबीटी की तरफ जा रहा हूँ।
गाइस, मेट्रो जा रही है, दिल्ली का ट्रैफिक देख सकते हैं आप। ISBT में एंट्री, महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, कश्मीरी गेट, दिल्ली। तो एंट्री करते हैं। जैसे मुझे जाना है एग्जिट की तरफ, मेरे को मेट्रो लेनी है। ये देखिए गाइस, ऐसे कुछ है यहाँ का एरिया। यहाँ से देखिए मेट्रो स्टेशन सामने, ये देखिए मेट्रो स्टेशन, मेट्रो भी आ रही है। इस मेट्रो को पकड़ के मेरे को जाना है। मैं जा रहा हूँ आज कहाँ पे, चांदनी चौक। गाइस, कश्मीर गेट मेट्रो स्टेशन पे एंट्री करते हुए, कितने नीचे जाना है। देखिए गाइस, चांदनी चौक, नया चांदनी चौक देखा क्या, कमिंग सून। तो मैंने तो नहीं देखा गाइस, आपने देखा क्या नया चांदनी चौक, कमेंट सेक्शन में लिखना और मुझे बताना। बर्ड्स नीड्स यू दिस समर, तो ये कह रहे हैं बर्ड्स नीड्स यू, दैट मीनिंग इज आप कटोरी में या फिर मिट्टी के बर्तन में पानी रख दीजिए बर्ड्स के लिए। मेट्रो से निकलते ही मुझे दिख जाती है मार्केट, तो कुछ ऐसे लग रही है मार्केट यहाँ की। मंदिर भी दिखता मुझे, जय बाबा की। तो ये देखिए पैंट कमीज लगा रखी है इन्होंने। कुछ ऐसे निकलता हूँ मैं बाहर चांदनी चौक के। और मेरे भाई ये देखिए गाइस, दुकान लगा रखी है सारों ने। यहाँ पे ना स्टार्टिंग हो जाती है 11 बजे के बाद दुकान। ये देखिए गाइस, चमचमाती हुई घड़ियाँ। ये देखिए गाइस, BSES यमुना पावर प्रोजेक्ट, इसका प्रोजेक्ट है। ट्रांसफार्मर देखिए कितना बड़ा लगा हुआ है। तो गाइस फाइनली मैं एग्जिट कर जाता हूँ और मेन रोड की तरफ पहुँच जाता हूँ। देखिए यहाँ से सामने लाल किला भी दिखेगा आपको, वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। ये देखिए गाइस कितनी बड़ी बिल्डिंग है, क्या चीज़ है ये बता सकते हैं। उमेक्स चौक, चांदनी चौक। ये देखिए कुछ रिजॉर्ट वगैरह खुल रहा है यहाँ पे। ये देखिए गाइस कितनी पुरानी दुकानें हैं। ओह, ये गुरुद्वारे वाली साइड है। एक से सीधा चलते रहूँ तो गुरुद्वारा दिख जाता मुझे। ये देखिए जय हो बाबा नानक देव जी, गुरु नानक देव जी। कितनी भीड़ है यहाँ पर। गुरुद्वारा शीशगंज, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब दिल्ली। कैसा, ये देखिए सामने लाल किला है। घड़ियाँ देखिए, ये 100-100 रुपए की, ऊपर 150 की। कॉर्नर वगैरह भी दिख रहे हैं यहाँ पे। देखिएगा इस कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पे। कोई यहाँ ढोलक बेच रहा है, कोई यहाँ नींबू बेच रहा है, कोई यहाँ पान बेच रहा है, कोई यहाँ सैलेड बेच रहा है। तो यहाँ पे सारे के सारे काम पे लग रहे हैं। 10 साल पहले आया था, कुछ ऐसा नहीं था गुरुद्वारा। अब यहाँ पे ना बहुत अच्छी फिनिशिंग कर दी है, डिज़ाइन और भी अच्छा बना दिया। तो फाइनली चांदनी चौक से निकल चुका हूँ, दोबारा से मेट्रो पकड़नी है, देन उसके बाद जाना है मुझे ओखला।
गाइस, टूरिस्ट भी ब्लॉग कर रहे हैं यहाँ पे। गाइस आई एम फाइनली हियर एट जसोला अपोलो, कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से। ये देखिए इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल। ट्रैफिक देखिए गाइस, मैं जसोला अपोलो स्टेशन से बाहर उतर चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए खाने का है, यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ है। तो यहाँ पे कुछ खाता हूँ, ट्राई करता हूँ, तो आपको बताता हूँ गाइस टेस्ट वगैरह। देखिए थाली, तो टेस्ट करता हूँ बताता हूँ। अभी तक रोटी नहीं आई गाइस, रोटी का वेट किया जा रहा है। फाइनली मेरे नान आ गए हैं यहाँ पे खाने के लिए, तो खाते हैं, टेस्ट करते हैं, बताते हैं आपको कैसा है। तो फर्स्टली दाल है, यहाँ पनीर की सब्जी है, और ये है छोले। गाइस अनबिलीवेबल टेस्टी है बहुत ज़्यादा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू गाइस।